फ्रेंड्स वेलकम बैक मेरे न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग मैंने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए मैंने चाशनी को पका लिया था। जितनी मेरे पास सूजी थी उसी हिसाब से हमने चाशनी को मीन्स चीनी को हमने उतना ही मतलब मेल्ट कर लिया था। एक से दो उबाल आने दिया था। इसके बाद हमने घी डाल दिया, 3 बड़े चम्मच डाला हुआ। इसके बाद डाल देंगे सूजी। घी हमारा जैसे मेल्ट हो जाता है वैसे सूजी डाल देंगे और जो घी है हमारा वही घी है। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को पूरे स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूजी को है अच्छे से घी में भूनते रहेंगे। तो अभी तो पूरा वाइट कलर है और धीरे 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 इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा। तो सूजी आप जितना अच्छे से भूनते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से भून रही है। तो लगभग हमारे पास यहाँ पर 1 कप सूजी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप सूजी है। तो आप बहुत ज़्यादा एकदम से भर के बनाएंगे तो फिर वो चीज़ें बहुत अच्छी से बनती नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 1 कप सूजी लिया हुआ है मैंने और यहाँ पर लगभग ½ कप हो जाएगा घी अगर मेज़रमेंट करेंगे तो। और सच में यार तो इतनी मस्त बननी थी जो हलवा सॉरी बना हुआ था। तो देखिए कलर जो है एकदम से चेंज हो गया है। अब हमने गैस को मुझे भूनते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट हो गया था। और जो मैंने चाशनी बनाई हुई थी उस चाशनी को डाल देंगे। चाशनी में हल्का सा मैंने येलो फूड कलर डाला हुआ है और 1 इलायची डाला हुआ था, आपको पहले दिखा दिया था उबालने में, तो वो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मैं एक से एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों तक लाती रहूँगी और बस इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। हलवा जो बनता है सच में ऐसा लगता है माता रानी को भोग लगाने वाला हलवा, और रियली बना भी वैसा ही था। तो यहाँ पर हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो क्योंकि हलवा को जब आप रवा भून लेते हैं मीन्स सूजी भून लेते हैं उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप प्लेट में देख पा रहे होंगे कि बहुत मतलब कि जो हलवे के जो मतलब शाइनिंग है वो पूरी बरकरार है। उसके साथ साथ में घी की जो खुशबू उड़ रही पूरे किचन में वो अलग से। तो यहाँ पर हमने काजू डाला हुआ है, कुछ सीड्स डाला हुआ है। तो यार कुछ डिफरेंट करके ही डालना चाहिए। और काजू बादाम तो नॉर्मली सभी लोग डालते हैं, पिस्ता तो नॉर्मली डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ सीड्स का, तो ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हलवा है बनकर रेडी होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कलर कितना मतलब ऐसा लग रहा है छोटे छोटे से दाने वाला जो मोतीचूर का लड्डू होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और सच में बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे भोग लगाने के लिए बस रखा गया है। तो ये हलवा बनता बहुत अच्छा है। और इसकी जगह पर आप अगर सूजी का नहीं तो आप आटे का भी बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आटे का हलवा इसकी जगह पर बना करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स हलवा मेरा बढ़िया अभी गर्म है। तो यहाँ पर अभी हम ही तीनों लोग खाना खाने वाले थे। तो क्या किया है तो हलवा को भी रख देंगे ढक करके और चलिए खाना लगाते हैं। हलवा जब तक गर्म बना रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए खाना हमने निकाल दिया है। तो ये है हमारे पास वही लोबिया बीन्स की सब्जी और दाल है, हलवा है और चपाती है। बस मतलब फुल टास्क हमारा जो डिनर है वो हो गया। अच्छा खासा हैवी डिनर हो गया, लेकिन बच्चों का मन था कि हलवा बनाना चाहिए। मतलब मम्मी बनेगा तो बनेगा, फिर खा पी के सो गए थे। देन अगले दिन गुड मॉर्निंग और आज है संडे। तो मैं यहाँ पर सुबह से शूट नहीं करी हुई थी, आ गई थी बस डायरेक्ट नहा करके। तो यहाँ पर मैं आलू बनाने वाली हूँ, सूखी आलू और थोड़ा सा मसाले वाली। तो प्याज हमारे पकने के लिए हमने छोड़ दिया है, लहसुन मिर्चा अदरक जो डालना होता है वो डाल दिया है। और चाय हमारी जो है वो भी हम लोग पी चुके थे। आज हमने पानी वगैरह फ़िल्टर वगैरह धुला हुआ था उसको भी मैंने पलटा करके रख दिया। तो मैंने आज सुबह में काफ़ी काम निपटा लिए। निपटाने के बाद फिर आई मैं बाल धुल के नहा करके। तो यहाँ पर मैं एक और भी आपको क्लियर करते चलूँ, मैं थोड़ा सा बालों में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो बहुत जल्द ही करने वाली हूँ, कह रही थी लेकिन अब मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर गर्म है। अब तो टॉवेल रामू काके के तरीके मुझे हमेशा कंधे में आपको दिखेगी। तो चलिए सब्जी हमारी बन गई है और नॉर्मल चपाती, बाकी चावल वगैरह आज अभी हमने नहीं बनाए हैं। और गर्म यार बहुत गर्म लग रही है। और सच बताऊं तो मैंने बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई, बस बाल धुल के आके नहाए थे। कुआ भी उधर उनको बुला रहे हैं कि चलो यार खाना खाओ, और मतलब खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। तो बच्चे इधर उधर खेलते रहते, शैतानी करते। तो चलो यार यहाँ पर रोटी सेक रही थी तो कुहू आगे कहने लगे मम्मी मैं शूट करूँ। मैंने कहा कर लो भाई। और कल मम्मी की रोटी कैसी हुई तो मैंने कहा ये देखो गोल गोल सी रोटी होती, लेकिन मेरी गोल रोटी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से आड़ी टेढ़ी रहती है। सच में यार मेरी गोल रोटी नहीं होती है और कभी गोल बन जाती, लेकिन रेगुलर मतलब जैसे बनना चाहिए रोटियाँ गोल वैसी नहीं होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तावे वाली रोटी देख लीजिए, वो तो फूल गई तो कम समझ में आएगी, तावे वाली आप देख लीजिए। तो चलिए रोटियां सेकते हैं, सब्जी ऑलरेडी मेरी बनकर तैयार है। फिर खाना वाना खाने के बाद चलते हैं छत पे। आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही, तो कोहू से बातें करते हुए मैं फिर खाना वाना खा के तो बस खाना लगाया। इसके बाद में तो कुहू अपनी बकवास कर रही थी और यहाँ पर रुद्रांश को शिकायत हो रही थी, तो मैंने कहा तुमको भी बेलन पड़ेगा, उसको भी बेलन पड़ेगा। तो बस यही चल रहा था। तो कुहू उसकी शैतानी मतलब बता रही थी, लेकिन अपनी नहीं बता रही थी। तो मैंने कहा तुमको भी पड़ेगा, उसको भी पड़ेगा। तो बस यही हम लोगों की चिट चैट चल रही थी। तो चलो यार चलते हैं। फिर आ गए हम लोग खाना ना खा के। तो इस समय बज गया था 5:30 बज रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। तो हम लोग आधे घंटे नीचे थे खाना ना खाने के बाद, और फिर आराम किया। फिर मन किया चलो यार छत पे चलते हैं। फिर तो रुद्रांश चला गया। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे चुटर मुटर सी पार्टी कर रहे, मम्मी से बातें कर रहे थे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, तो यहाँ पर इन लोगों को चिप्स आया हुआ था, चिप्स आइसक्रीम और वो कौन सी कैंडी वाली वैसी जो कच्चा आम वाली जो आइसक्रीम थी वो लेके आए हुए थे ये लोग। तो इन लोगों के लिए चिप्स आए हुए। तो मैंने कहा यार इन लोगों के लिए चिप्स आए तो मुझे क्यों नहीं आया। तो मैंने क्या किया, दोनों से मैंने कहा मुझे चाहिए, दोनों से हमने लिया। और लेने के बाद फिर कुहू शैतानी कर रही थी तो मैं उसको डांट रही थी। तो फिर मैंने दोनों से चिप्स ले लिए अपने हिस्से के। मैंने कहा जाओ मुझे मेरे हिस्से के चिप्स चाहिए। लोग दे नहीं रहे थे, तो इधर पानी भी डाल रही थी, चिप्स भी खा रही थी। तो अपना कुहू थोड़ा सा खाए, अपना उठा करके रख दी। देन हम लोग आ गए नीचे। तो दाल हमारी पक गई। नीचे क्यों आ गए थे हम जल्दी से तो बताना भूल गए, क्योंकि यहाँ पर तो कुहू की फ्रेंड आई हुई थी। तो उसको मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ पूछा, तो कह लगे नहीं अभी नहीं पियेंगे। फिर उसने कुछ चुटर मुटर खाया। फिर कुहू ने पूछा क्या खाओगी, तो फिर उसने बोला अच्छा सेवई खा दे। तो हमने उसके लिए सेवई बनाई और तीनों के लिए सेवई बनाई। और क्योंकि कह रहे थे आंटी आप सेवई बनाकर जब भी कुहू को टिफिन में भेजते मुझे बहुत पसंद आती। तो यार पता है मुझे बहुत अच्छा वो लग रहा था, क्योंकि पता जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो आती थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती। तो वैसे ही आज कुहू बहुत एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पर हमने प्याज और मिर्च वगैरह डाल दिए, थोड़े से मसाले डाले हुए, टमाटर डाले हुए। देन हमने डाल दिया सेवई, डालने के बाद ही उसमें भून लेंगे। जैसे कि हमेशा आपको ये रेसिपी मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, मैंने कई बार डाली हुई है, अक्सर मैं बनाती हूँ नाश्ते में। तो ये देख लेती हूँ, सेवई हमारी अच्छे से भुन गई थी और भुन जाएगी। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने जितना इसमें चाहिए पानी उतना ही डाल दिया। लगभग हमने 1 कप पानी डाल दिया था। डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बस 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल दो आप। जो ये नमकीन सेवई है बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी खुशबू के साथ साथ में स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स मैंने चैनल का नाम चेंज किया है, बाकी का सब कुछ जैसे था वैसा ही है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो सेवई है, नमकीन सेवई है, वो बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो रेडी हो गई है। थोड़ी सी धनिया भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा भाई कुहू की फ्रेंड है, तो भाई जैसे मेरी बेटी जैसे वो मेरी बेटी, तो तीनों के लिए मैंने लगा दी प्लेट में। तो कुहू, रुद्रांश और अवनी, अवनी नाम है उसका। तो अवनी, तीनों के लिए मैंने लगा दी नमकीन सेवई और प्लेट में, सॉरी ट्रे में लगा दी। चलिए उनको दे करके आते, देखते हैं ये लोग करते क्या हैं। आवाज़ नहीं करेंगे, शांति से जाएंगे। और जैसे मैं गई तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। ये देखिए, तो अभी मैं ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है। तो मैं गई एंटर हुई। इसके बाद ये देखिए ये बैठे हुए हैं तीनों। तो यहाँ पर चलिए लोगों को देते हैं। फिर हुआ क्या था, इनको जो सेवई है थोड़ी सी मतलब वैसी लग रही थी, तीखी सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी तीखी लग रही थी इन लोगों को। तो कुहू ने कहा मम्मी यार कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो मैंने कहा चलो अच्छा। फिर मैंने रुद्रांश से कोल्ड ड्रिंक भेजा, थोड़ी सी सेवई। मैंने कहा यार इन लोगों के लिए बनाया हुआ है तो मुझे भी तो चखना बनता ही बनता है, तो इतनी मैं खाऊंगी। तो इन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक मैंने भिजवा दी है। और उसके साथ साथ में ये देखिए मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक यहीं पे रख ली है। तो चलिए चेक करते हैं। और मेरे साथ एक हादसा हो जाएगा अभी, तो मैं बताती हूँ। तो चलिए पहले मैं अपनी सेवई चेक करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। और क्योंकि गर्म भी। तो रुद्रांश यहाँ पर आया, आके अपनी बहनों के लिए मीन्स पानी लेकर गया और बिल्कुल सेवा कर रहा है। कुहू की फ्रेंड की जो ज़बरदस्त सेवा कर। तो यार हुआ क्या, मैं कांच का गिलास धुल के लाई और जैसे रखने गई पता नहीं कहाँ से टकरा गया, तो वो टूट गया। तो सच में यार मेरे से बड़ा टूटता है, कांच के गिलास वगैरह, कप है, सब बहुत टूटता है, मतलब बहुत टूटता है। तो क्या ही कहने, मतलब अब क्या कहने। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि मेरी जो शैतानी होती रहती है, तो सच में यार ये कमेंट ज़रूर करना कि जब हम लोग बचपन में अपनी फ्रेंड्स में और आज भी अपनी फ्रेंड्स से मिलते तो कुछ स्पेशल सा लगता है। तो वो फीलिंग हमेशा सच में आती है, हमेशा आती, सबको आती है। और तो यार लाइफ में जो दोस्तों के लिए ज़िंदगी होती है, जो जगह होती है, वो किसी के लिए नहीं होती। और बिना दोस्तों के तो लाइफ बिल्कुल बेकार है भाई। मेरी लाइफ में तो मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत जगह पे, बहुत ढेर सारा उनके लिए प्यार रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। लव यू।